अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रिदा सोलंगी। आज से हम शुरुआत करेंगे हम सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट मंथली असेसमेंट के सबक नंबर 2 प्यारा पाकिस्तान, और बुक का है सबक नंबर 9 और पेज नंबर है 45। अहम अल्फाज हैं पहचान, नेमत, साहत, शहपारा, अनुमान। पहचान तो आप लोगों को पता ही है, नेमत, साहत मतलब घड़ी या वक्त, शहपारा मतलब शाही टुकड़ा, कीमती या ख़ास, उनवान मतलब आवाज़ या शुरू। मेरे जीवन की पहचान है ये प्यारा पाकिस्तान है, मतलब मेरी ज़िंदगी है, मेरे जीने की तमन्ना समझ लें, वो है हमारी पहचान है, उसका नाम क्या है, प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह की है ख़ास इनायत, ज़िंदगी की पाई नेमत, हमें तो अपने वतन से मोहब्बत, हर साहत हर आन है, ये प्यारा पाकिस्तान है। हमें अल्लाह ने बहुत ख़ास मेहरबानी से हमारे लिए प्यारा पाकिस्तान बनाया है, उसकी हमें अपने आज़ादी से, उनकी नेमतों से, हमें उनकी वजह से आज़ादी मिली है। हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, बहुत उल्फत है, हर घड़ी हर आन उसी की तमन्ना है, उसी की है, ये प्यारा पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो मेहनत करता है इंसान, जो मेहनत करने वाले कभी नाकाम नहीं होते, अल्लाह ताला उनको मेहनत करने वालों में को हमेशा उनकी मेहनत में सिला देता है। वतन पाकिस्तान भी मुसलमानों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है, आप लोग को पता है ना मेरे बच्चों। इसलिए हमें मेहनत की अज़मत को समझते हुए अब हमें हर काम मेहनत से और दिल लगा के करना चाहिए। अपने काम में हमेशा कोताही हो जाती है, वो नहीं करनी चाहिए, हमेशा मेहनत और दिल लगा के अपना दिल, अपना मन, अपने दिल से काम करना चाहिए। ये इकबाल का सोच सितारा, कायदे आजम का शहपारा, अपना वतन है अपना सहारा, इसके दम से शान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये कायदे आजम, आपको पता है ये ख्वाब जो था पाकिस्तान बनाने का, ये ख्वाब जो था हमारे इकबाल ने देखा था, हमारे अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था और ये कायदे आजम ने उसको पूरा किया। कायदे आजम का ये कीमती और ख़ास शाही टुकड़ा है पाकिस्तान, अपने सहारा, अपनी उम्मीद और अपने भरोसे से, हमें अपने वतन पर बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीद है, उसके दम से शान, उसी के दम से शान है, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। ये है गुलशन हम गुल बूटे, अपना वतन से हाथ ना छूटे, माँ मट्टी का साथ ना टूटे, चाहत का यही उनवान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। ये हमारा पाक है, ये हमारा गुल है, ये हमारे पौधे हैं, ये हमारा सब कुछ है। हमें अपने वतन से कभी भी हाथ नहीं छुड़ाना चाहिए, हमें अपनी मिट्टी का साथ हमेशा देना चाहिए, हमें अपने वतन से हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए, हमेशा उसका आगाज़ में रहना चाहिए, उनके शुरू में रहना चाहिए, ये प्यारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। चाहे जहाँ भी आए जाए अपने वतन को भूल ना पाए, आज़ादी के गीत वो गाए जो अच्छा इंसान है, ये प्यारा पाकिस्तान है। चाहे आप जहाँ भी हो, आप यहाँ पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, चीन में हो, जहाँ भी हो, अपने वतन को हमेशा नहीं भूलना चाहिए, हमेशा अपने आज़ादी के गीत गाने चाहिए। जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है वो अपने वतन को कभी नहीं भूलता, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। प्यारे बच्चों, आप ये देखें, ये जो नज़म है वो राजा नीर ने लिखी है, और ये पाकिस्तान जो वर्ड है वो फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लुगवी माने हैं लोगों के रहने की जगह। पाकिस्तान मतलब एक लोगों के रहने की जगह। उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको सबक प्यारा पाकिस्तान अच्छी तरीके से ज़हन-नशीन हो गया होगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।